न्यूयॉर्क में कई साल पहले की एक बात है। एक सिंगल मदर थी, मतलब डिवोर्सी थी, उनका एक छोटा सा लड़का और एक लड़की थी। पालन पोषण की जिम्मेदारी ये लेडी की थी। शी मस्ट बी अराउंड 38-40, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कोई और जॉब करनी पड़ती थी, दो जॉब करनी पड़ती थी ताकि दोनों बच्चे और उनके पालन पोषण सब हो सके। फिर एक बार पता चला कि मेरा लड़का तो स्कूल भी नहीं जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, धमाल मस्ती ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट्स एकदम बिगड़ गए, और उस स्ट्रीट में वो अपनी जेब में एक छोटी सी नाइफ लेके घूमता है, बच्चों को डराता है, कभी किसी को मार भी दिया था। अब ये माता चिंतित थी कि मैं क्या करूं। शी वॉज अ सिंगल मॉम, डिवोर्सी लेडी थी, ज्यादा पढ़ी नहीं थी, दो जॉब्स करनी पड़ती थी, तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक तरकीब, एक विचार उनको आया, बच्चे को मारा नहीं, डांटा नहीं, प्रेम से बैठ के समझाया कि हमारी स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक डॉक्टर रहते, तुझे पता है। वो लड़के ने कहा हाँ पता है। दूसरी बात कही कि वो डॉक्टर एक बड़े बंगले में रहते हैं, हम तो एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, वो भी किराए का है, वो बड़े बंगले में रहते हैं, पता है आपको। हाँ पता है। वो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। तो बच्चे ने कहा हाँ पता है। तुझे ऐसे बड़े बंगले में रहना है, ऐसी बड़ी गाड़ी घुमाना है। बच्चे ने बोला हाँ। तो तुझे पता है वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं। बच्चे को आश्चर्य लगे, इमेजिनेशन में चला गया। बच्चे के जेब में उस वक्त भी नाइफ थी, लेकिन माता ने ये नहीं कहा कि बाहर निकाल के मुझे दे दे, या पकड़ के हाथ पकड़ के ले लिया, ऐसी भी नहीं बात, समझाया। सी टाइम, केयर, कंसर्न। डांटना तो सभी को आता है, और उससे भी इजीएस्ट वे चांटा मारना। समझाया, प्रेम से समझाया। वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं, लेकिन वो पढ़े इतने अच्छे हैं कि अपनी नाइफ का उपयोग करते हुए किसी को दुख में से बाहर निकालते, सर्जरी करते, ऑपरेशन करते हैं। और तेरे पास जो नाइफ है ना, उसमें किसी को दुख होता है। ऐसी रोज बातें समझाती थी। फिर लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेके रोज एक बुक लेके आती थी, उसमें से ये बच्चे को बोलती तू पढ़। और मैं दूसरी जॉब करके वापस आऊं तब इसके 10 pages आपको पढ़ने और मुझे कहना है मुझे, मैंने ये बुक पढ़ी है। इस तरह से बच्चे को ट्रेन किया, वो बच्चा पढ़ने लगा, मैरिट्स आए, स्कॉलरशिप मिली, डॉक्टर बने, और इतने अच्छे डॉक्टर बने कि अभी जब मैं आपको आज ये बात कर रहा हूं, तभी वे अमेरिका की जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, वहां पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उनका नाम है बेन कार्सन। और इस वक्त, एक साल पहले अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, तब ही थ्रू हिज हैट इन द प्रेसिडेंशियल रेस एज वेल। फिर पार्टी की समझौती और उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो एक अलग बात है। यहां तक अपने बच्चे को इस माता ने पहुंचाया। यह प्रसंग सुन के आप किसी को फरियाद करने की इजाजत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ये सब्जेक्ट में कमजोर हैं। अगर आप ये बोलेंगे तो देर इज सम डिफेक्ट इन यू, नॉट इन देम। बेन कार्सन की माता एक सिंगल डिवोर्सी मॉम, दो बच्चे की जिम्मेदारी, और वो भी न्यूयॉर्क शहर में, और वो भी कम पढ़ी लिखी, दो जॉब करती थी, वो अपने इस तूफानी बच्चे को बेन कार्सन बना सकती हैं, तो आप अपने बच्चे को नहीं बना सकते। अब रोना मत, वो फिजिक्स में कमजोर है, मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो तू थोड़ा व्हाट्सएप पे टाइम कम करके उसके फिजिक्स में इंटरेस्ट ले ले, एज सिंपल एज दैट। तो वो पढ़ना चालू कर देगा। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल, इट इज समटाइम्स द पेरेंट्स हैव टू टेक केयर,
to get rid of the obstructions to bring out the shine of that potential. As simple as that. तो ये समय देखे केयर एंड कंसर्न की बात आती है, कोई भी समय पे, आधी रात पे भी, ये परिवारजन के लिए और बच्चों के लिए समय और संस्कार देना, दैट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. लड़के ने कोई बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया और उसको कुछ बातें आई, तो उसकी मम्मी के पास जा पहुंचा और पूछा कि मॉम, ये मनुष्य पृथ्वी पे कैसे आए? तो मॉम ने कहा कि पहले भगवान ने एक पुरुष एक स्त्री बनाई, फिर उनमें से परिवार चला, पीढ़ियां चली और आज इस पृथ्वी पे ये सब परिवार है. ठीक है, बच्चे ने मान लिया. फिर वे बायोलॉजी में पढ़ा कि मनुष्य के पूर्वज तो बंदर थे, इवोल्यूशन हुआ, चार्ल्स डार्विन की थियरी पढ़ा. तो एक बार पिताजी को पूछ लिया कि हम पृथ्वी पे आए कैसे मनुष्य. पिताजी ने कहा कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, एप्स थे, डार्विन की थियरी है, इवोल्यूशन है, ये सभी बातें जो हम पढ़ते हैं पढ़ी हैं वो सब बताई. तो बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम शुरू हुआ कि माता तो ये कहती है कि भगवान ने ये मनुष्य बनाया और वहां से पीढ़ी चली, और ये पिताजी तो ये कहते हैं कि पहले बंदर थे, एप्स थे, वहां से अब ये पीढ़ियां चली, तो हकीकत क्या है? फिर से माता जी के पास गए और माता को पूछा, वो किचन में थी, काम कर रही थी, बिजी थी. पूछा कि माता, आप ये कह रही हो और पिताजी तो ये कह रहे हैं. माता ने कहा कि मैंने जो उत्तर दिया वो मेरे रिश्तेदारी की बात है, उन्होंने जो उत्तर दिया उनके रिश्तेदारी की बात है. अब इस प्रकार का जवाब आप किसी भी परिस्थिति में बच्चों को देते हो तो आप कहां उनको संस्कार दे पाओगे? पेशेंस विथ योर चिल्ड्रन. छोटे बच्चे तो बहुत बातें पूछेंगे, हमको भी पूछते हैं ना. एक बार वहां हम अमेरिका में थे, एक छोटे बच्चे ने मुझे देखा तो देख ही रहा था. हम वहां कोई जगह पे ऐसे ही कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो जैसे गाड़ी में से उतरे, ही वॉज अ लिटिल वाइट बॉय, और उसकी आंख में मैंने देखा कि ही इज इंक्विजिटिव अबाउट समथिंग. ये पूरा सैफरन कभी उसने देखा नहीं होगा शायद, लाइफ में पहली बार देखता होगा. तो ही वाज स्टेयरिंग एट मी. मैं चल के उसके पास गया, उसके सामने मैं बैठ गया, क्योंकि ही वाज दैट स्मॉल साइज, तो मुझे बैठना जरूरी था, तो आई लेवल मैच हो सकता है. तो बैठा, देन ही मूव्ड अप टू स्टेप्स बैकवर्ड. यार मेरे पे ये कुछ अटैक लगता है ये. फिर प्रेम से उसको बुला और बातचीत की. मैंने तीन बार उसको पूछा कि डू यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग. तीसरी बार पूछा तब इतना कहा, तीसरी बार पूछा फिर इतना ही कहा. छोटे बच्चे ने, ही मस्ट बी जस्ट लाइक 4 years old. फिर मैंने बोला, पूछा उसको, उसने पूछा व्हाई दिस कलर. छोटे बच्चे में कितनी इंक्विजिटिवनेस होती है, यू हैव टू सेटिस्फाई इट. मैंने 2-3 वाक्य में उसको, संत क्या होते हैं, भारत में ये परंपरा है, सफेद पहनते हैं, भगवे पहनते हैं, एक दो मैं समझता था, वो उसको समझ में नहीं आएगी बात. लेकिन एक बात जो सही उत्तर है वो शॉर्ट में भी उसको देना चाहिए, रजिस्टर हो जाता है ये बात, उसको लाइफ टाइम याद रहती है. क्योंकि हम यहां बैठे व्हाट्सएप की कृपा से, इंटरनेट की कृपा से, हमारी जीबी तो भर गई है, उसकी जीबी अभी खाली है. हमारी जीबी तो भर गई क्योंकि बहुत चिंता है. बॉलीवुड में कोई साथ में आता है, कोई अलग होता है, तो चिंता यहां सांगली में हमको होती है ना. Page 3 की सब स्टोरीज पढ़ लेते हो, फिर वो सब जीबी भर जाती है. पहले Page 3 खोलते हैं, क्या हुआ वहां, तेरी रिश्तेदारी में कोई नहीं लगता है और तेरे को वो जानते भी नहीं है. Page 3 की सभी स्टोरीज की एक शॉर्ट स्टोरी में आपको बता दूं, ताकि रोज आपका टाइम उस Page 3 पे ना बिगड़े. शॉर्ट में बता देता हूं Page 3 की स्टोरीज. रोज सुबह 2 लोग साथ में आते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और शाम को कल जो साथ में आए थे, परसों आए थे, 1 हफ्ते पहले आए थे, 1 महीने पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे, वो अलग हो जाते हैं. इसके अलावा कोई और स्टोरी Page 3 पे हो तो उंगली ऊंची करें. व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? व्हाट इज शुगर टू अ डायबिटिक पेशेंट इज लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू ह्यूमन माइंड. You are wasting your energy and resources. फिर common sense कम हो जाती है, intelligence कम हो जाती है, thinking power कम हो जाता है, presentation power कम हो जाता है, ये सभी कुछ कम हो जाता है.
तो ये फैमिली वैल्यूज में सीखना है।